Why did I not go to Shyam Adrees's meetup? मैं क्यों नहीं गया? Even though Giga is right over there and it's literally so close to my house कि सिर्फ 10 मिनट की वॉक है, लेकिन मैं फिर भी नहीं गया। एक दिन पहले और मीटअप के दिन तक भी ऑलमोस्ट मेरा यही प्लान था कि मैं जाऊंगा, क्योंकि why not? लेकिन फिर मैंने थोड़ा रैशनली सोचा और फिर then some really interesting reasons came about कि why should I not go? सबसे पहला रीज़न तो ऑब्वियसली डकी भाई है। जैसा कि सब जानते हैं, डकी भाई रिलीज्ड अ वीडियो जिसमें ही टॉक्ड अबाउट ऑल द रीज़न्स व्हाई श्याम अद्रीस मेक्स फेक वीडियोस एंड देन ही ट्राइज टू कॉपीज अदर्स कंटेंट। बट ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, बिकॉज आई ट्राई नॉट टू जज एनीवन एंड आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ ड्रामा हैपनिंग इन द वर्ल्ड। बट एक चीज थी उस वीडियो में जिसकी वजह से आई डिसाइडेड नॉट टू गो, वो एक क्लिप थी। उस क्लिप में बेसिकली ये था कि जब श्याम अद्रीस का लाहौर में मीटअप हुआ था तो वहाँ पे जो लोग आए हुए थे दे वर सपोर्टिंग डकी भाई और वो डकी भाई के नारे लगा रहे थे बार बार। फौरन मेरे दिमाग में इससे रिलेटेड एक चीज़ आई कि यहाँ पे भी लोग इसी वजह से आएंगे फॉर द पर्पज ऑफ चांटिंग डकी भाई's नेम आउट लाउड। अब व्हाई डज दिस थिंग बॉदर मी? पहला रीज़न तो ऑब्वियसली ये है कि इसकी वजह से वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होंगे एंड देन अ लॉट ऑफ हेट वुड बी स्प्रेड। अब मेकिंग समवन अकाउंटेबल ऑन देयर एक्शंस इज वन थिंग, लेकिन पब्लिकली किसी को डीमोरलाइज करना इज टोटली द ऑपोजिट। एक ऐसा एक्शन जहाँ पे आप सिर्फ खौरी करके जाएं सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे शुगल होगा, क्योंकि हम वहाँ जाके डकी भाई के नारे लगाएंगे। देखें, शोइंग सपोर्ट इज वन थिंग, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, आप डकी भाई के लिए सपोर्ट शो करें, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे ये करने से वी सम हाउ आर फीलिंग बेटर बाई मेकिंग समवन एल्स फील बैड। अब आई कैन गो ऑन फॉर एवर कि वाई शुड वी हैव हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरल्स एंड दैट वी शुड इवन रिस्पेक्ट आवर वर्स्ट एनिमीज, लेकिन मैं यहाँ पे ये सब नहीं करने वाला, क्योंकि हम ये जानते हैं, वी आर नॉट किड्स एनीमोर, हमें राइट और रॉन्ग का डिफरेंस पता। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ये पॉइंट एक कोटेशन से शुरू करते हैं। अ फिश इज द लास्ट टू सी दैट इट्स स्विमिंग इन अ सब्सटेंस कॉल्ड वाटर। अब इस कोटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यही कि श्याम अद्रीस इज द फिश एंड द वॉटर इज इज ईगो। मुझे ये लगता है कि दैट ही हैज अ रियली हार्ड टाइम एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट ही इज इन अ रियली बिग मेस एंड इफ विच आई थिंक इज टू बी ट्रू कि काफ़ी लोग दिस स्पोक अबाउट दिस सब्जेक्ट कि वाई ही हैज मैनी ऑल्टर ईगोज इन पोर्ट्रेज टू बी समवन एल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन टू बी एंटायरली डिफरेंट पर्सन बिहाइंड योर बैक। मुझे ये लगता है द ओनली वे फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज टू अपोलोजाइज फ्रॉम डीप विद इन, फर्स्ट टू हिज क्रिएटर अल्लाह एंड देन टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि वी डिजर्व एन अपोलॉजी। तो इन शॉर्ट ये पॉइंट वॉज अबाउट हिज पर्सनैलिटी एंड वाई हिज पर्सनैलिटी बिकेम द रीजन ऑफ मी नॉट गोइंग टू हिज मीटअप। द लास्ट पॉइंट इज कल्चर स्किप। अब दिस पॉइंट टॉक्स ऑल अबाउट आवर सेल्व्स। शुरू से हमें सब कुछ सिखाया जाता है एंड लिटरली वी आर ब्रेन वॉश ऑन हाउ टू फंक्शन इन आवर लाइफ। इस सारे कल्चर स्केप में जो सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज है, दैट इज द थिंग दैट वी पिक फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, विच इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसी चीज है दैट लिटरली प्लेज विद आवर सेल्फ इमेज। ये इसी वजह से डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि हम भूल जाते हैं हु वी एक्चुअली आर। तो आखिर में बस ये कहना चाहूंगा, वी शुड ऑलवेज एक्नॉलेज आवर थॉट्स, आवर इमोशंस एंड वेदर आर वी स्प्रेडिंग नेगेटिविटी और स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।